हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोशल फ्रेंड। इस वीडियो में मैं कंप्यूटर के क्वेश्चन आंसर सेट टू को कवर करूंगा, जो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। मैंने सेट वन बनाया है और आपने अगर सेट वन नहीं देखा है अब तक तो आप सेट वन को अवश्य देखें। तो चलो मैं आपको क्वेश्चन सीरीज के पास ले चलता हूँ। देखो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्लोज एक्टिव विंडो, क्लोज एक्टिव डॉक्यूमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंट ओपन होता है उसको करंट विंडो को बंद करने के लिए हम प्रेस करते हैं कंट्रोल प्लस W। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू शो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। देखो कंट्रोल डी से भी होता है, कंट्रोल शिफ्ट एफ से भी होता है और कंट्रोल शिफ्ट पी से भी होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है ऑल ऑफ एबो, तो यहाँ पे आंसर रहेगा ऑल ऑफ एबो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू रिमूव ऑल कैरेक्टर फॉर्मेट। देखो ऑल कैरेक्टर फॉर्मेट को रिमूव करने के लिए हम प्रेस करते हैं कंट्रोल प्लस स्पेस बार। जैसे फॉर्मेट क्या होता है, किसी वर्ड पे आप सेलेक्ट करके उस पर कलर कर दो, फॉन्ट का साइज अब एक्टिव कर दो, ठीक है, डिफरेंट टाइप कलर साइज दे दो, तो उन साइज को रिमूव करना यानी उसका फॉर्मेट को रिमूव करना, ठीक है, तो हमें प्रेस करना होगा कंट्रोल प्लस स्पेस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू अंडो द लास्ट एक्शन इन अ डॉक्यूमेंट। देखो जब हम कोई काम कर लेते हैं ना, कोई एरर हो गया, ठीक है, तो हम वहाँ पे कंट्रोल जेड का भी इस्तेमाल करते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग अंडो। अगर इसको बोलते हैं हम लोग बैकवर्ड और कंट्रोल वाई को बोलते हैं रीडो, रीडो मतलब फॉरवर्ड, कंट्रोल एक्स होता है कट। तो यहाँ पे हमारा आंसर है कंट्रोल जेड। देखो नेक्स्ट लिखा है क्वेश्चन, टू इंक्रीज अ पैराग्राफ इंडेंट यूज शॉर्टकट कीज। तो यहाँ पे ऑप्शन है एक हमारे पास कंट्रोल एम, तो कंट्रोल एम से होता है पैराग्राफ की इंडेंटिंग करना, और एक होता है कंट्रोल टी से भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच की इज यूज टू सेलेक्ट ऑल द टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट। ऐसा कौन सा की है जिसके माध्यम से हम डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन होता है जो कंट्रोल टी से होता है इंडेंटिंग करना, और कंट्रोल एफ से होता है फाइंड करना, कंट्रोल एन से होता है न्यू। यहाँ पे हमारे पास आंसर है कंट्रोल प्लस ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, टू अंडो द लास्ट वर्ड फ्रेज। देखो यहाँ पे क्वेश्चन ये उल्टा आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे अंडो का सेक्शन क्या होगा, यहाँ पे कंट्रोल जेड। क्वेश्चन नंबर आठ, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आठ लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर आठ को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आठ लिखा है, हीडर एंड फूटर कैन इंक्लूड टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स एज वेल एज। तो हीडर फूटर से हम क्या करते हैं, जब हम पेज के टॉप एरिया में या बॉटम एरिया में माउस को डबल क्लिक करते हैं तो वहां से भी हमें मिल जाता है, या इंसर्ट बटन, इंसर्ट मेन्यू में जाते हैं वहां पे हमें मिलता है हीडर एंड फूटर। तो हीडर फूटर सेक्शन में हम क्या यूज करते हैं, हीडर फूटर सेक्शन में हम करेंट डेट भी यूज करते हैं, पेज नंबर भी और करेंट टाइम भी यूज करते हैं। यहाँ पे आंसर रहेगा ऑल ऑफ ए बो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइन, विच वुड यू चूज टू मूव सेलेक्ट टेक्स्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। यहाँ पे ऑप्शन होगा मूव एंड पेस्ट। देखो मूव एंड पेस्ट क्या सही होगा, नहीं, देखो कॉपी एंड पेस्ट नहीं, यहाँ पे देखो कट एंड पेस्ट, यहाँ पे ऑप्शन होता है हमारे पास कट फॉर मूव, कंट्रोल एक्स से कट होता है और कंट्रोल वी से पेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कंट्रोल एक्स से क्या होता है, यहाँ पे ऑप्शन है क्लोज विंडो। देखो क्लोज डॉक्यूमेंट जो होता है कंट्रोल डब्ल्यू से होता है, कट द सिलेक्टेड कंटेंट, जी बिल्कुल, यहाँ पे ऑप्शन इसका होगा, देखो यहाँ पे कॉपी द सिलेक्टेड कंटेंट नहीं, क्लोज वर्ड एप्लीकेशन नहीं, यहाँ पे आंसर रहेगा कंट्रोल एक्स से कट द सिलेक्शन कंटेंट। यानी किसी भी टेक्स्ट को हम सेलेक्ट करते हैं फिर कंट्रोल एक्स करेंगे तो क्या होता है वो वहां से कट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच इज नॉट अ डेटा सोर्स कंपोनेंट। इनमें से पूछ रहा है कौन सा डेटा सोर्स कंपोनेंट नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन होगा डेटा रिकॉर्ड होता है, मेल मर्ज टूल बार होगा, डेटा फील्ड होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन होगा हीडर रो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन वर्ल्ड द मेलिंग लिस्ट इज नोन एज। मेलिंग लिस्ट को हम किस नाम से जानते हैं, यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास है डेटा शीट, डेटा सोर्स, शीट सोर्स, यहाँ पे ऑप्शन होगा हमारे पास देखो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर जो होगा
क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर डेटा सोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रोल डी से क्या होता है, तो कंट्रोल डी से होता है एक फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू इरेज अ कैरेक्टर टू द राइट ऑफ द इंसर्शन पॉइंट प्रेस द की, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, बैकस्पेस, आइदर बी और सी। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, तो इसका आंसर होगा बी, यानी बैकस्पेस। ओके, ये ऑप्शन कंट्रोल बी में कर दूं। ठीक है, ये देख सकते हो जो बैकस्पेस होता है इससे इरेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, कंट्रोल वाई से क्या होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन है अंडर द लास्ट एक्शन, डिलीट द लास्ट पेज, रिपीट लास्ट एक्शन, डिलीट द फर्स्ट पेज। यहाँ पे ऑप्शन क्या होता है, कंट्रोल जेड से अंडू, कंट्रोल वाई से रीडो। तो ख्याल रखना यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे आंसर आएगा बी, यानी रिपीट द लास्ट एक्शन, यहाँ पे आंसर रहेगा ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रोल डिलीट से क्या होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास डिलीट द वर्ड जस्ट आफ्टर द कर्सर, डिलीट द वर्ड जस्ट बिफोर द कर्सर, डिलीट द सिंगल लेटर जस्ट आफ्टर द कर्सर, डिलीट द सिंगल लेटर जस्ट बिफोर द कर्सर। तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, तो यहाँ पे आंसर रहेगा डिलीट द वर्ड जस्ट बिफोर द कर्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रोल बैक स्पेस का यूज हम क्यों करते हैं, तो कंट्रोल बैक स्पेस का यूज हम देखो कंट्रोल बैक स्पेस का यूज हम तब करेंगे जब हमें कोई कर्सर हमारे पास हो, और जब हम कर्सर आगे क्लिक करें किसी वर्ड के, दो तीन लेटर जितना भी लेटर वर्ड होगा उसके आगे हम क्लिक करेंगे, तो ये क्या करेगा, जो वर्ड होगा ना उसको डिलीट कर देगा। तो यहाँ पे आंसर रहेगा सी, 24 का आंसर हमारे पास है सी, देखो 24 का आंसर आएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑटो टेक्स्ट एंड ऑटो करेक्ट आर टूल, ये कहाँ पर होता है, स्टाइल डिजाइनिंग एडिटिंग, तो यहाँ पे होता है हमारे पास डिजाइनिंग, एक मिनट, इसका आंसर होगा ऑटो करेक्ट का स्टाइल, सॉरी इसका आंसर होगा डिजाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन नॉर्मल व्यू ऑटोमेटिक पेज ब्रेक, कभी भी हमें जब नॉर्मल व्यू होता है उसमें हमें पेज ब्रेक करना होता है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा डी, यहाँ पर इसका आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ वर्ड फाइल, तो इसका वर्ड फाइल जो होता है वो होता है .doc। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू ऑटोफिल द वीड ऑफ कॉलम, तो कॉलम जो हम टेबल यूज करते हैं कॉलम और वीड को सेट करना होता है, तो हम डबल क्लिक करते हैं कॉलम के हेडर पर। ये रहा वीडियो का एंड, और आप अपना सुझाव जरूर दें कमेंट बॉक्स में अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो। ये वीडियो आप अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें जिन लोगों को इसकी आवश्यकता हो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।